कक्षाएं चाहे जो हो, ज्यादातर छात्र हमेशा तनाव में ही रहते हैं। अच्छे नंबर लाने का दबाव, कुछ करने का दबाव और उनके नाजुक कंधों को बोझ से झुका देता है। ऐसे में छात्र कई बार अपना बेस्ट तक नहीं दे पाते और ऐसे छात्रों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बेहतर उपाय है। एक्चुअली तनाव जो एक शब्द है, इसका जो कारक है वो है परिणाम पर ध्यान रखना। विद्यार्थी पढ़ाई पर कम और उसके परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। समाज या परिवार अगर उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तुमको इस बार 98% लेकर आना है या तुमको इस बार 95% लेकर आना है, तो क्योंकि फोकस उसका परिणाम पर है, तो मुझे लगता है ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। स्टूडेंट्स को तनाव रहित होकर पढ़ाई करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई का आनंद लें, अपने टाइम टेबल पर ध्यान दें, रिजल्ट पर ध्यान बिल्कुल ना दें। दूसरा, टाइम बाय टाइम पानी पीते रहें, पानी का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए और एग्जाम के टाइम भी दिन में 1 घंटे व्यायाम या खेलने के लिए निकालें। इससे पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ता बल्कि पढ़ाई अच्छी ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माता पिता का अहम रोल है, क्योंकि माता पिता को ये कहना चाहिए तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और इसको एंजॉय करो, वो रिजल्ट की बात ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिजल्ट की बात ना करें। अगर वो रिजल्ट के बारे में बार बार कहते रहेंगे या उसकी तुलना किसी से करेंगे या पिछला परिणाम, जैसे मान लेते हैं कई बार कहेंगे कि 10th के बोर्ड में तो तुम्हारे मित्र का इतना परसेंटेज आया था या फला कपूर साहब के लड़के जो है उनका इतना परसेंटेज आ गया था, तो पुराने परिणामों को याद दिलाना ये तनाव बढ़ाता है और नए परिणामों पर फोकस करना ये तनाव बढ़ाता है। तो मुझे लगता है ये दो चीजें अगर दूर हो जाएं तो बच्चे को तनाव रहित माहौल मिलेगा और वो परिणाम ज्यादा अच्छे से लेकर आएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में छात्र फंस जाते हैं, एग्जाम नजदीक होते हैं और उसके बावजूद भी पढ़ाई करने के बाद भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। कई बार स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे समय पर बहुत अहम रोल निभाता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझने के लिए अपने इस खास कार्यक्रम में हम जुड़ रहे हैं कौटिल अकेडमी इंदौर के CEO मनमोहन जोशी जी से और उनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब, उनसे जानेंगे कि आखिर स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में किस तरीके से छात्रों को टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपने प्रेशर को कम करना चाहिए। चलिए अब सीधा उनसे जुड़ते हैं। मनमोहन जोशी जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब बात आ रही है तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहूंगी कि किस तरीके से एग्जाम अगर नजदीक हो तो टाइम टेबल का इसमें अहम रोल होता है और कैसे टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। जी नंदनी, जरूर। एक्चुअली एग्जाम टाइम टेबल बनाने का स्टूडेंट का समय जो है वो मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल चुका है। एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं और इस समय स्टूडेंट्स को जो ध्यान देना चाहिए टाइम पर वो है कि अगर सिलेबस रिवाइज कर चुके हैं या सिलेबस रिवाइज नहीं किया है या इंपॉर्टेंट चीजों पर वो फोकस कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि एग्जाम के पहले उनको क्या करना चाहिए। एग्जाम के कुछ दिन पहले ही उनको कुछ जो उनके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि उनका आईडी कार्ड हो गया या फिर उनका प्रवेश पत्र है, पेन है, कंपास है, पानी का एक बॉटल है, उन चीजों को पहले से वो व्यवस्थित रख लें। उसका कारण ये है कि जैसे एग्जाम के दिन में बहुत तनाव अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं। दूसरी बात यह है कि क्या किसने पढ़ा, इससे कंपैरिजन करने की जगह उन्होंने क्या पढ़ा इसको उनको उस पर फोकस करना चाहिए। सामान्यतः होता यह है कि छात्र छात्राएं स्टूडेंट जो हैं वो इस बात पर फोकस करने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कितना पढ़ लिया या ऐसा हो जाता है कि तैयारी में क्या चीजों की कमी रह गई है। इन बातों पर ध्यान रखने की जगह उन्होंने कितना पढ़ा है, उनकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, इन बातों पर शायद उनको ध्यान रखना चाहिए। रही बात टाइम मैनेजमेंट की कि तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे दिन में ज्यादा समय मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स के लिए दिन में 1 घंटे का समय निकालना चाहिए एग्जाम के दौरान भी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनमोहन जी जब एग्जाम्स नजदीक हो ऐसे में ये प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि बोर्ड एग्जाम एक तरीके से एक बोर्ड नाम जो है वो कहीं ना कहीं डर पैदा करता है स्टूडेंट्स के मन में, तो बोर्ड परीक्षाओं का समय है, ऐसे में चाहूंगी कि आप बच्चों को एक संदेश दें, सलाह दें कि परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव के प्रबंधन और तनाव दूर रखने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और जो भी छात्र छात्राएं या उनके पेरेंट्स इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनसे मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि तनाव का पूरा कारण एक ही चीज है, वो है एंटिसिपेशन ऑफ रॉन्ग और निगेटिव थिंग्स, नकारात्मक होने की आशंका। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम में अपियर ही नहीं किया है, कई बार उनके मन में ख्याल आने लगते हैं कि मेरा रिजल्ट तो बेकार हो जाएगा, या पढ़ते समय जब वो 5 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और 10 को छोड़ रहे हैं तो उनका फोकस इस बात पर है कि जो नहीं पढ़ा शायद वो एग्जाम में आ जाएगा, या कई बार ओल्ड रिजल्ट्स कि पिछले साल रिजल्ट क्या हुआ था या 10th के बोर्ड में रिजल्ट क्या हुआ था या 8th के बोर्ड में क्या रिजल्ट हुआ था, ये चीजें स्टूडेंट्स को तनाव में लेकर आती हैं। कहा भी गया है कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ,
एंड हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। जी, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें किस तरह से लेते हैं शायद यही जीवन जीने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स कई बार तनाव में सिर्फ इसीलिए हो जाते हैं कि क्या नकारात्मक हो जाएगा उस पर ध्यान रखा गया है। तो सलाह यह है कि क्या हो जाएगा नकारात्मक उसकी जगह क्या सकारात्मक होगा। आप ये सोचें कि जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा, या आप सोचें कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक चीजों पर फोकस रखें, तनाव दूर होगा और तनाव प्रबंधन में रहेगा। अगर सर मैं बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशन के चलते, जैसे अगर मैं यूपीएससी या पीएससी की बात करती हूं, तो स्टूडेंट्स कई बार इस डर से ही तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है वो इतना लंबा होता है। कई बार स्टूडेंट प्री मेंस निकालकर इंटरव्यू में निकल जाते हैं, तो इस भय के साथ कहीं ना कहीं तैयारी करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो इस डर को वो दूर कैसे करें? स्टूडेंट्स तनाव को प्रबंधन में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, और पीएससी की तैयारी के बारे में जो भय कहीं ना कहीं मन में है वो सिर्फ इस कारण है कि उनको ये जानकारी नहीं है कि पीएससी के एग्जाम में क्या आता है। आपने कहा कि लंबा प्रोसीजर है, बिल्कुल भी लंबा प्रोसीजर नहीं है। एक साल का पूरा टाइम इसमें लगता है, चाहे वो एमपी पीएससी या यूपीएससी या किसी और स्टेट पीएससी की हम बात करें। तो पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इस एक साल के प्रोसेस में ही आफ्टर अ ईयर पोस्टिंग हो जाती है। तो एक दो धारणा मन में बनी हुई है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, पहले तो वो मन से निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज ये कि यही सही समय है जब स्टूडेंट बारहवीं का एग्जाम दे रहा है या वो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि इस समय वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्योंकि जितना जल्दी तैयारी शुरू करेंगे शायद परिणाम उतने ही अच्छे होंगे, और रिजल्ट से मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए जिससे कि तैयारी अच्छी हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनमोहन जी, जब एग्जाम का टाइम हो, फिर चाहे बोर्ड एग्जाम हो, फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कई बार एक बार में कॉम्पिटिशन नहीं निकल पाता है। हम अक्सर देखते हैं कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को परिणाम जरूर मिलता है, लेकिन वो देर से मिलता है। तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो इसमें आप फैमिली का कितना रोल मानते हैं? जी, हमेशा ही मेरे देखे पेरेंट्स का तो बड़ा अहम रोल है। घर में पेरेंट्स को एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक माहौल बनेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, तो छात्र छात्राओं के मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो विचार खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी हम पिछले के कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स आने के बाद ही आत्महत्याओं का दौर बढ़ जाता है। जी। उसके पीछे कहीं ना कहीं अनड्यू प्रेशर कारक है, और तुलनात्मक रूप से अपने बच्चों को देखना, जैसे किसी के बच्चे ने कितने परसेंट ले आए, या पड़ोसी का बच्चा कितने परसेंट ले आया है, या कौन क्या कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं छात्र छात्राओं और पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल है, यूनिक है। ईच एंड एवरी पर्सन इज अ मास्टरपीस क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। प्रत्येक बच्चा ईश्वर निर्मित है और अपने आप में एक मास्टरपीस है। उसकी लाइफ कहां जाएगी, उसकी नियति में क्या है, ये हमें नहीं पता। तो उसके रिजल्ट, एक्चुअली एक जो रिजल्ट आएगा अभी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट है, चाहे वो बारहवीं या ग्यारहवीं या बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है, ये रिजल्ट सिर्फ एक साल का ही परिणाम है या एक साल के अध्ययन का ही परिणाम है। इससे जीवन को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जब हम इससे जीवन को जोड़कर देखते हैं तभी तनाव होता है या तभी मन में निराशा का भाव आता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसे एक रिजल्ट के रूप में देखें, इससे जीवन का आकलन न करें। बिल्कुल मनमोहन जी, आपने सिविल सर्विसेज की बात अभी की है, तो चूंकि सिविल सर्विसेज का के मामले में आपने कहा कि बारहवीं के साथ ही तैयारी, बारहवीं के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या कारण है बारहवीं से? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल निकलते हैं और इतना बड़ा प्रेशर वो ट्वेल्थ के बाद से ही लेने लग जाते हैं, तो आपको नहीं लगता मेंटल प्रेशर उनका और बढ़ता होगा इस चीज से, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। पहले तो हम ये समझ लें कि बारहवीं जो एग्जाम है यहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। शायद माँ बाप भी बच्चों को यही कहते रहते हैं, और ये सच्चाई भी कई हद तक है, क्योंकि इसके बाद ही करियर में करना क्या है वो तय होता है। बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होते हैं, जैसे कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल क्लैट के थ्रू लॉ के सेक्टर में जा सकते हैं, सीएसीएस के सेक्टर में जा सकते हैं, तो उनके पास बहुत सारी चॉइस होती है। लेकिन मैं स्पष्ट आपको ये बताऊं कि अगर स्टूडेंट्स प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी और तरह के क्लैट या कोई और एग्जाम पास कर लेता है, तो उसके बाद उसे चार साल या पांच साल का एक कोर्स करना होता है, जिसे हम ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। इस कोर्स के बाद भी क्या मार्केट में जॉब अवेलेबल है? आंसर इज नो। या तो प्राइवेट सेक्टर में कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, या तो पीजी का कोर्स करना पड़ेगा, मतलब बीई के साथ एमबीए करना पड़ेगा, या एमबीबीएस के साथ एमडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर बारहवीं के बाद ही, दो तरह के एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, एक एग्जाम है जिसका नाम है डिफेंस सर्विसेज और एक एग्जाम है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज। तो बारहवीं के बाद अगर बच्चा डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करता है, छह महीने की तैयारी कर ले, तो एनडीए का एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला जो पुणे है, पुणे में है, वहां जा सकता है।
और इसको 3 साल का ग्रेजुएशन होगा जो कि गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जाता है, सारे खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो पासिंग आउट परेड है उसमें लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है। ठीक उसी तरह ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है जिसे हम सिविल सर्विसेज परीक्षा कहते हैं। ये MPPSC, स्टेट PSCs या UPSC तैयारी करवाती है। दोनों ही तरह के एग्जाम्स की तैयारी हम कौटिल्य अकेडमी में करवा रहे हैं। ये एग्जाम की तैयारी एक्चुअली 1 साल की है, मींस ग्रेजुएशन के बाद बच्चा अगर 1 साल ये तैयारी करेगा तो इस एग्जाम को पास कर सकता है। लेकिन आप सोचिए, जो तैयारी हम 1 साल करवाते हैं ग्रेजुएशन के बाद, अगर वही तैयारी बच्चा 3 साल में कर ले 12वीं के बाद, तो उस 1 साल की तैयारी को हमने 3 साल में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले साल फाउंडेशन बनाया जाता है बच्चे का, फिर अगले साल उसे एडवांस लेवल पे लेकर जाया जाता है, और फाइनल ईयर में ही बच्चे को हम प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। और जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन करता है वो एग्जाम पास कर सकता है, एग्जाम में फाइट कर सकता है, समय भी बचता है उसका और उसकी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। बिल्कुल। और वही ग्रेजुएशन किया हुआ अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या इसे न्यूनतम योग्यता मानी गया सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए? जी हाँ, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन ही है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, ये BE हो सकता है, BTEC हो सकता है, MBBS हो सकता है, BA, BSc, BCOM, BBA, BALLB, ये कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है, जिसमें कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है, आपके पास बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, चूंकि सिविल सर्विसेज में कई सब्जेक्ट्स होते हैं और समय समय पर सब्जेक्ट्स को चूज करने की जब बारी आती है, तो क्या कहेंगे कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम परफेक्ट जॉब है, कौन सी स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है तैयारी करना? ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है जो बच्चों के मन में उठता है। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें उठती हैं कि कौन से मीडियम के बच्चे कर सकते हैं, कौन से परिवेश के बच्चे कर सकते हैं, शहर के बच्चों को करना चाहिए या गांव के बच्चों को करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आज की डेट में MPPSC जो एग्जाम करवाती है, MPPSC में कोई सब्जेक्ट नहीं है। GS का पेपर होगा, प्री में GS और एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं, और मेंस में भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो जिसमें कि मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज के टॉपिक हैं, जिसमें कि साइंस और साइंस बैकग्राउंड के टॉपिक्स हैं। तो पहली बात तो ये कि MPPSC के में ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि कौन से स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, ये सभी स्ट्रीम के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। सेम बात UPSC में भी है, वहां भी जो प्री में कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको कंपलसरी 2 पेपर देने होते हैं, एक एप्टीट्यूड का, एक GS का, मेंस में जरूर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। और कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज्यादा निकलते हैं, ये ऐसा बताना जो है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट को लेके स्टूडेंट अच्छी तैयारी करता है वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के साथ निकल सकता है। मीन्स साइंस वाले भी पास आउट होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, और इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के लोग भी होते हैं। तो सही आंसर तो ये है कि अच्छी तैयारी स्टूडेंट को एग्जाम पास करवाती है, ना कि सब्जेक्ट। बिल्कुल। और भाई अगर मनमोहन जी पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं, तो क्या फैमिली बैकग्राउंड, किसी की आर्थिक स्थिति, क्या किसी का शहर, इस तरह की चीजें मैटर करती हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए? नंदनी, इसका आंसर मैं एक छोटी सी स्टोरी से देना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में एक मेला लगा। उस मेले में एक गुब्बारे बेचने वाला हर थोड़ी देर में एक लाल रंग का गुब्बारा छोड़ता। लाल रंग का गुब्बारा इसीलिए क्योंकि लाल रंग के गुब्बारे में उसका रंग जो है वो दूर तक दिखाई पड़ता है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। हर थोड़ी देर में वो एक गुब्बारा छोड़ता जिससे कि बच्चे उससे देखें और उसके पास आकर एक गैस का गुब्बारा परचेस करें। थोड़ी देर में एक छोटा बच्चा वहां आता है और उससे पूछता है, अंकल क्या ये, अगर आप जो लाल रंग का गुब्बारा छोड़ रहे हैं, अगर आप ये पीले या किसी और रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो भी ऊपर जाएगा? ये सेम वही प्रश्न है, स्टूडेंट पूछते हैं क्या हिंदी मीडियम का बच्चा आगे जाएगा, क्या कम आर्थिक पृष्ठभूमि या गरीब बच्चा जो है वो ऊपर जाएगा, क्या हिंदी माध्यम का बच्चा पास हो सकता है? तो इसका आंसर गुब्बारे वाले ने दिया। गुब्बारा वाला कहता है कि बेटा, ये गुब्बारा अपने रंग और आकार के कारण ऊपर नहीं जाता, ये गुब्बारा उस चीज के कारण ऊपर जाता है जो इसके भीतर है। ठीक यही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लागू होती है। ना तो कोई मीडियम मायने रखता है, ना पारिवारिक पृष्ठभूमि मायने रखती है, ना उसका परिवेश मायने रखता है। एक ही चीज मायने रखता है, क्या उसके भीतर वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, एक बात कह दूं कि आर्थिक पृष्ठभूमि सहायक हो सकती है, परिवेश थोड़ा बहुत सहायक हो सकता है, लेकिन ये सफलता का मानक या पैमाना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका लगन। मुझे एक बात याद आती है कि मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि सफलता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। तो मोहम्मद अली कहते हैं 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, विल एंड स्किल, मतलब एक तो इच्छा चाहत और दूसरा कौशल ज्ञान। तो पूछने वाले ने पूछा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, स्किल और विल, और मोहम्मद अली कहते हैं कि विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल,
इच्छा शक्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, लगन चाहिए, जुनून चाहिए और सफलता आपके कदमों पर होगी। हाँ बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर आपका ये संदेश जरूर तमाम लोगों ने सुना होगा और उनको जरूर इससे कोई ना कोई जो मैसेज आपने देना चाहा वो उन्हें मिला होगा, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। वहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब चूंकि बोर्ड एग्जाम का ये समय है, 12th से कई स्टूडेंट निकले होंगे, फैमिली प्रेशर भी रहता है, कई बार मेंटल प्रेशर रहता है कि अब आगे करियर के तौर पर क्या चूज करें। सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिशन, सिविल सर्विसेज ही नहीं मैं कहूंगी, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन आज के जमाने में है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं 12th के क्या-क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट के लिए, जब 12th के बाद स्टूडेंट निकलता है तो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए 12वीं के बाद स्टूडेंट जो है उसके पास तो पूरा खुला आसमान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कि मुख्य कुछ स्ट्रीम्स हैं जहां स्टूडेंट्स का रुझान बहुत ज्यादा है, जिसमें से एक तो है वो क्लैट के थ्रू लॉ के सेगमेंट में जा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग के थ्रू इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, मेडिकल के सेगमेंट में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेगमेंट में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के पास में। लेकिन जो बढ़िया ऑप्शंस हैं मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी तैयारी हम कौटिल्य एकेडमी में करवाते हैं, वो दो ऑप्शंस हैं। एक है सिविल सर्विसेज, जिसके थ्रू वो IAS IPS बन सकता है अगर ये यूनियन लेवल पे जाता है, और अगर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो DC और DSP बन सकते हैं। और दूसरा बढ़िया ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज, जहां NDA में जाकर के बच्चा सीधे 3 साल के बाद लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स के पास जिनकी जानकारी नहीं होती, या जैसा कि आपने शुरू में पूछा कि स्टूडेंट्स के मन में भय होता है कि क्या वो बन पाएगा, कर पाएगा, तो बहुत आसान है ये दोनों ही। आसान इसलिए क्योंकि अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो डेफिनेटली वो कर पाएंगे। मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि बड़ी ढीट है चाहतों की चिरैया, बड़ी ढीट है चाहतों की चिरैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है, और मिली ना किसी को यूं ही राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। तो परिश्रम और लगन करेंगे तो ये दो राह जो कि बहुत ही एमिनेंट और प्रोमिनेंट पोजीशंस माने जाते हैं, पोस्ट माने जाते हैं भारत में, भारत ही नहीं वर्ल्ड में भी UPSC को बड़े लेवल पे देखा जाता है। तो ये एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू की बच्चा अपने एम को पा सकता है, लक्ष्य को पा सकता है और जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको नंदनी। बिल्कुल, और मनमोहन जी चूंकि डिफेंस जॉब्स की आपने बात करी है, तो डिफेंस में अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, कब से इनके लिए उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए 12वीं के बाद डिफेंस में जाने के लिए एक एग्जाम है जिसका नाम है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और इसके थ्रू बच्चा जा सकता है। 16.5 साल मिनिमम एज लिमिट होती है इसकी, मैक्सिमम एज लिमिट 19 ईयर्स है। और अगर ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, बच्चे सीधे इसमें जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो दो बड़े एग्जाम्स हैं जो कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है, और 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इसमें जाकर सीधे ऑफिसर्स का रैंक पाया जा सकता है। बिल्कुल, अब जाहिर तौर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है जैसा कि आपने बताया, आज PSC एग्जाम भी था और काफी प्रेशर के बीच स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स को दे रहे हैं, और प्रेशर जिस तरीके का होता है, चूंकि आप भी उस दौर से गुजरे हैं, मैं भी उस दौर से गुजरी हूं, तो मैं भी उस चीज को समझ सकती हूं कि मेंटल प्रेशर में पढ़ाई करना और याद करना और याद होना कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लिया और दूसरे दिन एग्जाम दे आए, कहीं ना कहीं इस धारणा के साथ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे कारण और टिप्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम सिर पर हैं तो कुछ चीजों को तो फॉलो कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट्स को संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन का मतलब ये कि जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, विटामिन, इन सब की मात्रा पर्याप्त हो। एक अच्छी चीज है बनाना, केला उनको रोज सुबह खाना चाहिए, हैप्पी फ्रूट कहा जाता है ये, जिससे उनका दिन खुशनुमा बना रहेगा, तनाव को प्रबंधन में लेकर आने में ये सहयोगी होगा। पानी लगातार पीते रहना चाहिए इन्हें, चाय और कॉफी से बचना चाहिए। होता यह है कि स्टूडेंट रात को देर रात को जागकर पढ़ते हैं और खूब सारा चाय और कॉफी पी लेते हैं, तो चाय और कॉफी से इनके शरीर में कैफीन जाता है जो कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। उसकी जगह ग्रीन टी पीते रहें, दूध का सेवन करें, दूध पिएं, गर्म पानी, ठंडा पानी जैसा भी पीना चाहें पिएं, लेकिन चिल्ड वाटर, फ्रिज का पानी ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। कुछ चीजों को अगर खान पान को ये संतुलित कर लेंगे तो इनका तनाव प्रबंधन में रहेगा। मैंने वापस रिपीट करूं कि रिजल्ट के बारे में न सोचकर काम के बारे में सोचें। जैसे आपको बताऊं कि कृष्ण ने कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला कि कर्म करो फल की चिंता मत करो।
तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो, कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है, रिजल्ट में नहीं है, तो रिजल्ट के बारे में सोचना तनाव देगा। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको कर्म के बारे में सोचना चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं। पढ़ाई करें, पढ़ाई को एंजॉय करें, वर्तमान में रहें, भविष्य के बारे में न सोचें, ना ही आप पास्ट भूतकाल के बारे में सोचें। स्टडी को एंजॉय करें, नोट्स बनाएं, और ये जरूर सोचते रहें कि आप जो पढ़ रहे हैं यही एग्जाम में आने वाला है। हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएगा। जी नंदनी, बिल्कुल। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की आपने बात करी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की आपने बात करी, उम्मीद करूंगी कि ये टिप्स जो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के दिए हैं जरूर स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को कम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए।